हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। हमारे पास एक आधार कार्ड है, इसका फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसे मैनेज करूँगा, एक एडिट करूँगा और एक सिंगल पेज पे आप किस तरह से आधार कार्ड का फ्रंट पेज और एक बैक साइड दोनों को एक पेज पे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, सो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ओके, जो कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल पे देखकर आपको ये क्लियर ही हो गया होगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इमेज को मैं अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक दो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। इस इमेज को मैं यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की हेल्प से पिक्चर को एडिट करूँगा। ब्राइटनेस आप यहाँ पे कम और तेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को कॉपी कर लिया हूँ कंट्रोल के साथ सी प्रेस करके, सबसे पहले मैं सेलेक्ट किया देन कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर नहीं है तो आप इसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, तो सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं इस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपली मैं वहाँ से कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ भी प्रेस करूँगा तो ये इमेज जो है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में पेस्ट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कंट्रोल भी प्रेस किया हूँ और यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसी पिक्चर को यहाँ पर मैं एडिट करूँगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके पास आधार कार्ड थोड़ा सा इसका जो है ब्राइटनेस नहीं है, कम है, तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस भी तेज कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा ऑटो करेक्ट। ओके, आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ दोनों पिक्चर को आप साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस इमेज को सबसे पहले यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं ऑटो करेक्ट करूँगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ब्राइटनेस जो है इसका तेज हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स ये ब्राइटनेस अगर नहीं रहेगा तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पिक्चर जो वो अगर काला देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स आप ऑटो करेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपली वो ब्राइटनेस कर देगा, या फिर आप मल्टीपल अगर आप चाहें तो मैनुअली इसे आप ब्राइटनेस कम और तेज कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली एडिट पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। ओके, सिंपली यहाँ पे क्रॉप करने के बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आप ये पिक्चर अगर टेढ़ा रहेगा तो आप इसे यहाँ पर सीधा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है इमेज वो ऑलरेडी सीधा है ही, हमारे पास एक और जो है वो बैक साइड का इमेज वो फ्रेंड्स जो है वो आप देख सकते हैं ये थोड़ा टेढ़ा है। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर सीधा करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो क्रॉप के क्रॉप पे क्लिक करना है और सबसे पहले मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ। तो क्रॉप कर लिया हूँ और इसे मैं फ्रेंड्स इस इमेज को थोड़ा सा सीधा करता हूँ। ठीक है, तो रोटेट पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स डिग्री ओके बाय डिग्री, तो यहाँ पर आपको सिंपली इसे इस तरह से मैनेज करना है कि आप देख सकते हैं जो कि लगे कि अब सीधा हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीधा लग रहा है। एडिट पिक्चर पर एक बार क्लिक करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर इसे क्रॉप कर लेता हूं। तो क्रॉप करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसे यहां पे इसे सिंपली कॉपी कर लूँगा। तो चलिए मैं इसे क्रॉप कर लेता हूं, जो भी प्रोसेस मैं यहां पे कंप्लीट कर लेता हूं, अगर थोड़ा भी इधर उधर है तो फ्रेंड्स ये मैनेज आपको कर लेना है सिंपली। तो गाइज इस पिक्चर को मैं यहां पे सिंपली मैनेज कर लिया हूं और ये हो गया फ्रेंड्स बैक साइड का और ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास एक जो है वो फ्रंट साइड, यानी कि दोनों पिक्चर अब तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं इसे सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए सेम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और आप सेलेक्ट करने के बाद सिंपली कंट्रोल के साथ अगर सी प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। अगेन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वर्ड पैड ओपन कर लेता हूँ, आप इसे सिंपली चाहें तो वर्ड पैड पर भी इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड जो है वर्ड 2003 में यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली इसे कंट्रोल के साथ भी प्रेस करना है तो वर्ड पैड में जो है इमेज वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस किया हूँ पेस्ट हो चुका है। और यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप चाहेंगे इस इमेज को इधर से उधर करना तो ये नहीं होगा। ओके, तो जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल यहाँ से फ्रेंड्स आप रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट रैपिंग। ओके, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेना है, तो सेलेक्ट रैपिंग पे आपको क्लिक करना है और इसमें से आप कोई भी एक इमेज ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर का इमेज लेता हूँ। अब फ्रेंड्स आप इस इमेज को सिंपली यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इधर से आप उधर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे फ्रंट को एक साइड रख लेता हूँ और इसी तरह से फ्रेंड्स आपको सिंपली बैक साइड का जो पिक्चर है उसको आपको यहाँ पर रखना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सेम यही प्रोसेस करना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको सिंपली इसे पेस्ट कर देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पिक्चर आधार कार्ड के इमेज को आप फ्रेंड्स एक साइड फ्रंट और बैक साइड को आप एक सिंगल पेज पे मैनेज कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे पेस्ट प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।